गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, क्या आपके हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एस के व्लॉग्स। दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है ये होने वाला है Xiaomi के जो फोन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है ग्लोबली पर इंडिया में अभी तक के रिलीज नहीं हुआ था, वो है Xiaomi का पोको M3। आप सबको पता होगा लास्ट ईयर 2020 में नवंबर ने पोको M3 ग्लोबली रिलीज हो चुका है। इंडिया में रिलीज होना इसका एक्सपेक्टेड है कि रिलीज हो सकता है क्योंकि इसकी जो ग्लोबली सक्सेस थी ये फोन की बजट फोन के हिसाब से बहुत बढ़िया थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके कैमरे के बारे में बात करेंगे, इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या हो सकता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, क्योंकि आपको उससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। जो हमारा ये फोन है Xiaomi Poco M3, इस फोन की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो दोस्तों उसमें Qualcomm का Snapdragon 662 है। इसमें ऑक्टा कोर का 2.2 GHz का प्रोसेसर है जिसमें आपको GPU देखने मिलता है Adron का 610। और दोस्तों इसमें जो इंटरनल मेमोरी की दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए, एक है UFC 2.1, एक है UFC 2.2। जो 64 GB इंटरनल मेरी और 4 GB रैम के साथ आएगा वो UFC 2.1 रहेगा, और जो 128 GB के साथ 4 GB रैम का वेरिएंट आएगा वो UFC 2.2 रहेगा। दोस्तों इसमें एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है इसमें 6 GB रैम का वेरिएंट भी आए, ये एक्सपेक्टेड है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 GB रैम का वेरिएंट ही कंफर्म है। दोस्तों अब बात करते हैं अभी इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें IPS का LCD स्क्रीन है जिसमें आपको 6.5 इंच का स्क्रीन साइज देखने मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के मेन कैमरे की, तो इसमें 48 MP का वाइड एंगल लेंस है, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ लेंस है। दोस्तों इसमें LED फ्लैश लाइट दिया हुआ है, इसमें वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो HD में। दोस्तों इसमें आपको सेल्फी का जो कैमरा है सिंगल लेंस है, 8 MP की वाइड एंगल, इसमें आप HD में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, इसमें 6000 mAh की बैटरी है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये फोन कम बजट में बहुत अच्छा आ गया, आपको इसका प्राइस पता चलेगा। दोस्तों इसमें फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है 18 W का। दोस्तों इसमें रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी, मतलब अपने डिवाइस से कोई अदर डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के नेटवर्क की, तो इसमें ड्यूल सिम स्लॉट है और अनफॉर्चुनेटली ये फोन 4G नेटवर्क इंडिया के 4G नेटवर्क के हिसाब से ही बना हुआ है, क्योंकि आप सबको पता होगा इंडिया में अभी तक 5G नेटवर्क नहीं आया है। दोस्तों इस फोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये साइड माउंटेड है। इस फोन में कलर बड़े खूबसूरत है, जैसे कूल ब्लू है, पोको येलो है, पावर ब्लैक है, कलर का तो आप देख ही सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मतलब बहुत ही अमेजिंग कलर्स है। दोस्तों इस फोन के अब प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं, ये फोन एक्चुअली ऐसा है कि एक्सपेक्टेड ये है कि जो 64 GB वाला है वो होने वाला 12,000 के प्राइस में, और जो 128 GB वाला वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला 15,000। ये एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है, ऊपर नीचे हो, ये प्राइस मार्केट टू मार्केट वेरी भी कर सकता है। दोस्तों इस फोन का जो एक्सपेक्टेड रिलीज है, हो सकता है ये मार्केट में फेब के मिड में है या फेब के स्टार्ट में है, ये अभी एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी तक इसे अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडिया में रिलीज हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा Xiaomi का पोको M3। दोस्तों इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको आगे और Xiaomi के कौन से फोन देखने हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूं। आपकी दुआ और आपका ऐसी सपोर्ट रहा तो और आगे भी जाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपका अपना दोस्त सलमान।